समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आजम खान की बड़ी बहन, उनकी पत्नी डॉक्टर ताजीन फातिमा और उनके बड़े बेटे अदीब आजम खान ने आज अपना मतदान के अधिकार का इस्तेमाल किया, अपना मतदान किया। आजम खान की पत्नी, बहन और बेटे अदीब आजम खान ब्लू अम्ब्रेला स्कूल पहुंचे, जहां पर उन्होंने अपना वोट डाला। मतदान को लेकर जिला प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे। मतदान के बाद आजम खान के बड़े बेटे अदीब आजम खान ने कहा, अपना कैंडिडेट जीतना चाहिए, फातिमा जद्दी को जीतना चाहिए। हमारे वालिद ने और मेरे भाई अब्दुल्ला ने हमेशा सियासत अच्छे कामों के लिए किए, ना ही किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। पिछली बार लोकसभा विधानसभा चुनाव की तरह कोई सख्तियाँ नाटक नहीं हुआ, तो हमारी कैंडिडेट फातिमा जद्दी साहिबा अच्छे वोटों से जीतेंगी, उम्मीद यही है। वहीं आजम खान की पत्नी ताजीन फातिमा ने कहा, वे चाहती हैं अल्लाह ताला हमारे वोट को कामयाब करे और जिस प्रत्याशी को उन्होंने वोट किया है उसे कामयाबी मिले, बाकी मतदान शांतिपूर्ण चल रहा है। भाई जीतना अपना कैंडिडेट जीतना चाहिए, फातिमा जबी साहिबा को जीतना चाहिए, वो इसलिए जीतना चाहिए हमें भाई के हमारे वालिद ने हमेशा सियासत जो है वो हमारे घर ने, चाहे वो अब्दुल्ला हो चाहे आजम खान साहब हो, हमेशा अच्छे कामों के लिए करी है, ना ही किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए, किसी को अजियत पहुंचाने के लिए, इसलिए सियासत नहीं करी। और अगर पिछली बार की तरह अगर लोकसभा और विधानसभा की तरह सख्ती और नाटक नहीं हुआ तो जीतेंगी फातिमा जबी साहिबा, हमारी कैंडिडेट जीतेंगी और अच्छे वोटों से जीतेंगी, उम्मीद तो यही है। मेरे वोट डाल के निकली, क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं कहना चाहूंगी, बस अल्लाह ताला मेरे वोट को कामयाब करे। तो मतदान सही चल रहा है? इनके लिए वोट डालते हैं, अच्छे वोटों से जीते और उनका नाम रोशन हो और मुंह उजाले। अच्छा चल रहा है, वो उसकी निगाह सीधी है, वो सीधा है तो सब कुछ अच्छा ही होगा इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग। क्या मैसेज देना चाहिए? मैं मैसेज क्या दूँ, मैं तो कह तो रही हूँ कि अल्लाह ताला जिसके लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तुम बच्चे खड़े हो रहे हो, अल्लाह तुम सबकी मेहनत कामयाब करे और जो दिल से चाह रहे हो वो हो जाए। बेशक बेशक।